हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये बताने और समझाने की कोशिश की थी कि बियर स्ट्रीट क्या ऑफ़र कर रहा है और ये किस तरह के कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसी सिलसिले में मैं श्री एक बार फिर आपके सामने बियर स्ट्रीट को लेकर, और वो एक नॉर्मल सवाल, वो एक कॉमन सवाल जो एक कैंडिडेट्स के जहन में होते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। बेसिकली मैं एक ट्रेडिंग करियर की तलाश में था, और ये मेरी ट्रेडिंग करियर की तलाश 20, 22, 25 साल पहले हुई। और उस जर्नी में मैंने जो उठापटक देखी, जो नफ़े नुकसान देखे और उनके जो सॉल्यूशंस देखे, उसका नतीजा है बियर स्ट्रीट। जहाँ तक बियर स्ट्रीट ज्वाइन करने का सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि वही कैंडिडेट्स बियर स्ट्रीट ज्वाइन करने के बारे में सोचें जो वाकई एक ट्रेडर का करियर देख रहे हैं या एक ट्रेडर का करियर तलाश कर रहे हैं। उनको इस ट्रेडिंग करियर की टफनेस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि ये कितना मुश्किल या कितना आसान काम है, और वो इसके लिए कितनी तैयारी के साथ कर रहे हैं, उनके पास क्या टाइम फ्रेम है। वो 2-4-6 महीने में सोच रहे हैं कामयाब होने की, या उनके पास 2-3 साल का टाइम है। तो जो कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेके एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए बियर स्ट्रीट ज्वाइन करना ज़्यादा ठीक होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पैशन और चार्म में लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम होता है, और डिफरेंस तब महसूस करता है आदमी जब जब कुछ चीज़ फेस करता है। तो मैं इसका अगेन वही जवाब कि जो जो कैंडिडेट्स सिर्फ चार्म रखते हैं स्टॉक मार्केट के प्रति, कि एक एक पिक्चर उनके दिमाग में होती है कि एक कंप्यूटर होगा, एक एसी ऑफिस होगा, बैठ के काम करना होगा, और अपना पैसा नहीं होगा, किसी और का पैसा होगा और हमको ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम ट्रेड करके मिलियन और बिलियन बना ले जाएंगे, इस गलत फहमी में जो होगा वो कैंडिडेट्स बियर स्ट्रीट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। और जहाँ तक मैं अब बियर स्ट्रीट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो इसी गलत फहमी के साथ वेबसाइट विजिट करते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं और ज्वाइन करते हैं कि बस उनको एक मौका मिले और वो चौके छक्के मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे और एज ए ट्रेडर कामयाब हो जाएंगे। बी एस टी ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेनिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल। इवन जब कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो वो या तो किसी गलतफहमी में है या खुशफहमी में है। सबसे पहले उसकी वो गलतफहमी और खुशफहमी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्लोर मैनेजर उसको पूरी तरह से अलाउ करते हैं कि व्हाट यू नो प्ले हियर। जब आप बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर पे जब काम करते हैं और काम का रिजल्ट बताता है कि आपको एक्चुअल आता क्या है, यदि आपको बहुत अच्छा आता है, वेल एंड गुड, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी ट्रेंड, लेट्स ज्वाइन, आप अपनी परफॉर्मेंस TMS पे दिखाइए और आपकी TMS की परफॉर्मेंस आपको लाइव पे लेके जाती है। सेकंड, यदि आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग सिर्फ प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको एक मेंटोर आपको एक टास्क देता है, उस टास्क को आपको करके पता चलता है कि आपको क्या आता है। जैसे जैसे आप उस टास्क को पूरा करते हैं, आपके अंदर एक परफेक्शन आता है, और जो लोग भी उस टास्क को पूरा कर पाते हैं टाइमली, वो लोग एक मैच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है, इसके लिए मेरे पास कोई क्लियर जवाब नहीं है और ना मैं क्लियर जवाब देना चाहूँगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ ट्रेडर्स जो ज्वाइन करते हैं वो 3-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद लाइव जा सकते हैं, और कुछ 1-2 साल ट्रेनिंग करने के बाद या TMS में प्रैक्टिस करने के बाद भी लाइव नहीं जाते हैं और वो गिव अप कर देते हैं।
इस सवाल का भी बहुत क्लियर जवाब नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट जहाँ तक मैंने इस ऑपरेशन में जो नज़दीक से देखा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग कैरी करके लाते हैं, वो कहीं या तो बहुत सी वीडियोस देख के या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हैं और उनको या तो काम करने का मौका मिलता है, अपना पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, और यदि बाय द वे अपने ट्रेडिंग से पैसा कर लगा के लॉस भी करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बनाना एक मुश्किल काम है, यदि वह बाय द वे छोटे पैसे भी पैसा बना लेते हैं तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब वो फेल होते हैं तो अपनी कैपिटल, अपनी छोटी कैपिटल को वो जिम्मेवार मानते हैं और वो बियर स्ट्रीट की तरफ एक तरह से चार्मिंग होते हैं कि हमें यहाँ पर कैपिटल मिल जाएगी, हमारा रिस्क नहीं होगा और हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर चुके हैं, बशर्ते कि वो इस गलतफहमी में ज्वाइन करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि ड्यूरिंग इंटरव्यू जो फ्लोर मैनेजर है वो ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे चार्मिंग कैंडिडेट्स को शॉर्ट आउट करने की या समझने की कोशिश करते हैं, और ना उनका समय जाया हो और ना बियर स्ट्रीट का समय जाया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश होती है। बियर स्ट्रीट की ट्रेनिंग, बियर स्ट्रीट की ट्रेडिंग या बियर स्ट्रीट की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड यदि आपके जहन में किसी तरह के कोई सवाल आते हों तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल शेयर करें, मैं उसके सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।